नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है हमारे वीकेंड स्पेशल अलार्म का, जहां बात होती है आपसे जुड़े मुद्दों की, जहां बात होती है आपके सरोकार की। आज एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा सरोकार आपसे है, एक नहर जो कागजों में तो है, जो दशकों पहले बनाई गई थी, लेकिन आज ना नहर है ना नहर की जमीन है, सब गायब हो गया है। विदिशा, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह का क्षेत्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के संसदीय क्षेत्र से एक अजब और गजब मामला सामने आया है। दशकों पहले यहां एक नहर बनाई गई थी, जो अब गायब हो गई है। करोड़ों रुपया खर्च कर ये नहर बनाई गई थी ताकि शहर और गांव के लोगों को पानी मिल सके। ना पानी मिला और ना ही सुविधा, बस मिला तो घोटाला, भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार कि नहर से लेकर जमीन तक गायब हो गई और जिम्मेदार बेखबर है। भ्रष्टाचार अपार, गायब हुई नहर। भूल गए जिम्मेदार, अब ले रहे खबर। अजब गजब है नहर की मिस्ट्री। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है, और भ्रष्टाचार भी अलग अंदाज में ही यहां होता है। अंदाज भी ऐसा कि सुनने वाला, समझने वाला कुछ समझ ही न पाए। कुछ ऐसा ही विदिशा जिले में हुआ, जहां एक नहर ही पूरी की पूरी गायब हो गई। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा के बेतवा नदी किनारे पुराने बुलेट क्लब के पास। आप देख सकते किस तरीके से विदिशा में किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके यहाँ पर एक नहर बनाई जाती है, लेकिन आज वो नहर यहाँ पर गायब दिखाई दे रही है। आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आज ये सिस्टम पूरी तरह यहाँ से कबाड़ में, और आधे से ज्यादा सामान इसका यहाँ पर चोरी चला गया। नहर भले ही गायब हो गई, लेकिन सालों पुरानी नहर का चैम्बर बना हुआ है, विभाग के सरकारी कमरे बने हुए हैं, ये सब गवाही दे रहे हैं कि यहाँ नहर थी। विदिशा में जो गायब नहर का मामला है, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सरकारी जो क्वार्टर है, विभाग से संबंधित ये क्वार्टर था, और इसमें जो कर्मचारी रहते थे यहाँ पर, जो नहर की यहाँ पर देखरेख करते थे, आज भी यहाँ पर बात किया तो सरकारी यहाँ पर क्वार्टर है, और जो यहाँ पर काम करते थे कर्मचारी थे, हालांकि उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके यहाँ पर कुछ बेटों की भी अनुकंपा नियुक्ति हुई, लेकिन जिसके बावजूद अगर बात की जाए, यहाँ पर विभाग का यहाँ पर क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन नहर यहाँ पर मौके से गायब है। तो बड़ा मामला है कि कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है, उजागर हुआ है, तो इसकी किस तरीके से गंभीरता से यहाँ पर जाँच होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा, दौलतपुरा और मदन खेड़ा के लिए नहर बनाई गई थी। इसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया था। करीब 12 से ज्यादा किसानों की जमीन लेकर सिंचाई के लिए नहर योजना पर काम शुरू किया गया। शहर से निकल रही बेतवा नदी के पास नहर बनाई गई थी। विभाग के रिटायर कर्मचारी महेंद्र जैन ने बताया कि नहर बनाने का उद्देश्य किसानों और शहर के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। मैं इलेक्ट्रीशियन था एन डी एम में। नहर का क्या मामला है, नहर गायब है आज? नहर का क्या, किसानों ने अपने पुकुर पार के अपने काम में ले ली नहर, जहाँ से जाते पूरी फार्म में, ये पूरा मिडानिया मिडानिया बन गए थे, सब पूरे पानी पानी यहीं से था, 90-100 एकड़ थी ये, और इधर से सीधा टेल तक हेमावाई डैम के आगे तक। लगभग कितनी लागत से नहर बनी होगी? करोड़ों की लागत से थी। करोड़ों रुपए की लागत से नहर बनी, लेकिन अब वो करोड़ों रुपए नहर के साथ ही गायब हो गए। लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, दबंगों का जमीन पर कब्जा है, कॉलोनीज बन गई हैं, जहां अब लोग बसने लगे हैं। सरकारी काम है भाई, जब सरकार के तंत्र को ही फिक्र नहीं तो भला फिक्र कौन करे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सीट विदिशा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर नहर बनी तो थी, लेकिन आज वो नहर यहाँ पर गायब है। लेकिन मैंने जिस तरीके से कहा कि मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सिस्टम, ये गवाही देता है कि यहाँ पर नहर थी, लेकिन आज वो नहर गायब दिखाई दे रही है।
इसको लेकर यहाँ पर तमाम तरीके के यहाँ पर अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि इस मामले में अब क्या जांच और क्या कार्रवाई होती है। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा। जब इस मामले की खबर नहर की जिम्मेदारी संभालने वाले सम्राट अशोक सागर परियोजना विभाग को लगी तो वो भी हैरान रह गया। विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन ढूंढने की गुहार लगाई। ये है प्रशासन और उसके अधिकारी, उन्हें खुद नहीं पता जिस नहर के लिए जमीन अधिग्रहित की गई, उस जमीन पर करोड़ों रुपए खर्च कर मशीनें लगाई, उस जमीन का ही किसी को कुछ नहीं पता। अब राजस्व विभाग जमीन की तलाश करेगा, फिर नहर को तलाशा जाएगा, मतलब ऑफिस ऑफिस नहर और जमीन तलाशने की अर्जी चलती रहेगी। समय बदला, चक्र बदला तो शहर का विकास हुआ। देखते देखते जहां पर नहर बनी थी वहां पर बस्तियां बस गईं। कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। नहर कब टूटकर गायब हो गई किसी को पता तक नहीं चला। लाखों रुपए की मशीनें लगाई गई थी, अब वो भी कबाड़ हो गई। इस पूरे मामले को लेकर विभाग खुद आश्चर्य में है। आखिर ये कैसे और कब हो गया? अब सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन खोजने की गुहार लगाई। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है उस संबंध में कि उनकी जो नहर की जमीन थी उसकी खोज करने के संबंध में। उसमें प्रारंभिक तौर पे जो जांच हुई है उस पर ये जानकारी हुई है कि 70-72 के आसपास जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है वो उद्वहन सिंचाई परियोजना, एक लिफ्ट इरीगेशन स्कीम होती थी, उसके तहत वो भूमि उनके द्वारा अधिग्रहित की गई थी। जमीन राजस्व रिकॉर्ड से भी गायब है। वाह, क्या अजब और गजब कारनामा है। नहर का मामला दफ्तर टू दफ्तर चल रहा है। जिम्मेदार एक दूसरे से पत्राचार कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब वो भूमि जो है, चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में नहर अंकित नहीं है, तो जल संसाधन विभाग से हमने जानकारी चाहिए है कि वो भूमि उनके द्वारा जो अधिग्रहित की गई थी और उनके द्वारा जो मुआवजा बांटा गया था उसका रिकॉर्ड इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि उसके आधार पे मौके पे चिन्हांकन करके जांच करके उक्त भूमि जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में जल संसाधन विभाग के नाम पे दर्ज करने की कार्रवाई की जा सके। नहर पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि दबंगों ने कब्जा कर जमीन पर कॉलोनी बना दी। शिकायत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस क्षेत्र में नहर गायब हो चुकी है, दबंगों का कब्जा हो चुका है। शासन को कई बार चेता भी दिया गया है कि जहाँ पर नहर थी शासकीय भूमि गायब हो गई है, आप उन पर कार्रवाई करिए, परंतु आज तक किसी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं मिली देखने को। हम उचित चाहते हैं कि मेरे कई बार मैंने इस बात पर शासन को आगे भी किया है कि साहब अभी तक धरातल पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आगे आप क्या चाहते हैं। मीडिया के थ्रू हमने कई बार चेता भी दिया है, हम अगर कार्रवाई शासन नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उधर कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में है, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग को जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, उन दोनों ही विभागों के अपने जो संबंधित अधिकारी है उनको इसकी पड़ताल के लिए प्रेषित किया हुआ है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आएगी उसके बाद में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। संबंधितों ने यदि कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको भी हटाया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च हुआ, मशीनें लगाई गईं, लेकिन सब पानी में चला गया। ना नहर है और ना ही जमीन, सब गायब है। नहर का मामला ऑफिस ऑफिस घूम रहा है। यहाँ पर नहर गायब हो चुकी है और अधिकारियों से उन्होंने मांग की है कि जिन दमंग लोगों ने यहाँ पर नहर को कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर नहर खत्म कर दी गई है, तो उसकी जांच हो और दोषियों पर यहाँ पर ठोस कार्रवाई की जाए। देखते हैं इस मामले में विदिशा का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा। विदिशा से हमारे सहयोगी दिनेश यादव जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। दिनेश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये बेहद गंभीर मामला है और सवाल यहाँ बड़ा उठता है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहर पर करोड़ों खर्च किए गए, लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, साथ ही विभाग भी अनजान बन रहा है कि उन्हें नहीं पता कि नहर कहाँ गई। बिल्कुल अपर्णा, ये बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सीट का जिला मुख्यालय जो विदिशा है
उससे सटा हुआ मामला है। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लंबे समय तक सांसद भी रहे इसी सीट से, अब प्रदेश में मुख्यमंत्री भी थे, अब वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। लेकिन ये मामला जब उजागर हुआ है, जब जल संसाधन विभाग ने यहाँ पर एक पत्र जारी कर राजस्व विभाग से कहा है कि नहर की जो नहर बताया जाए लेफ्ट इरीगेशन के तहत ये जो नहर यहाँ पर बनाई गई थी उसकी जमीन और नहर दोनों गायब हुई हैं। जब संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने राजस्व विभाग को यहाँ पर पत्र लिखकर इसकी गुहार लगाई है कि जो जमीन है वो नहर बताई जाए कि कहाँ पर थी। बताया जा रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर मुआवजा देकर उनकी जमीन अधिग्रहण करके यहाँ पर नहर बनाई गई थी। कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। विदिशा के वरिष्ठ एक व्यक्ति हैं कुशवाहा जी, यहाँ आपने नहर देखी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर नहर बनी थी 72-73 के लगभग। एक मोटर का पानी जो कृषि फार्म में आता था इधर रोड क्रॉस करके, 3 मोटर का पानी जाता था रायपुरा साइड, 1 मोटर का पानी जाता था यहाँ से पानबाग शास्त्री जी के बगीचे में से निकल के पानबाग पर। यहाँ पे 6 मोटरों की व्यवस्था थी, 50-50 हॉर्स पावर की। अब सब बंद हो गई, सब तोड़ दी उनने, पाइप उनने रख लिए, कौन ले गया। बताया ये भी जाता है यहाँ पर कि नहर की जो जमीन थी उस पर यहाँ पर लोगों को कब्जा हो चुका है। जितने सब लोग चौहान से संबंधित रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कॉलोनाइजर हैं, इन कॉलोनाइजरों ने सबको मालूम है कि सभी लोगों के, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल रहे, इसके पहले सांसद रहे, तो ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि जब मतलब चोरी हो गई, ये चोरी नहीं हुई। जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सांठगांठ में यहाँ के कॉलोनाइजरों ने ये कब्जा किया है। आप देखिए ना, रोड बनाए, विट्ठल नगर कॉलोनी है, यहाँ पे एक बड़ी कॉलोनी है, वो जो रोड दिया गया है कॉलोनी के लिए वो नहर के ऊपर ही है, आप जाकर खुद देख सकते हैं। क्या यहाँ पर आपने नहर देखी? यहाँ पे देखी, हम स्कूल जाते थे जब यहाँ पे घूमनाते थे, यहाँ पे आके नहीं नहर पे घूमनाया, यहाँ पे स्कूल जाते थे जब इस टाइम पे। तो कारण क्या है यहाँ पर, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर नहर गायब हुई बता रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण लग रहा है आपको? भूमाफियाओं का, और भूमाफियाओं का कारण है यहाँ रसूखदार जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी, कुछ लोगों ने कॉलोनी में एडजस्टमेंट करवा ली वो जगह, कुछ लोगों ने व्यापारिक कॉमर्शियल भूमि करवा ली उसको, और जो नहर थी वो गायब हो गई। अब वो गायब हुई है, कहाँ गई है ये तो प्रशासन। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप दिख रहा है आपको पीछे, यहाँ से नहर निकली थी क्या? नहीं नहीं, ये जो बाजू से ये वाला गेट है यहाँ से, और ये फोटो वाला वो है ना कैमरे वाला, यहाँ पे पुलिया थी नहर की, ये जो बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, उससे वो तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा मामला है पटना की। जिस तरीके से बात की जाए कि यहाँ पर कई योजनाएं जो सरकार के लिए चलती हैं, लेकिन वो सरकार की योजना जो धरातल पर उतरती हैं लेकिन किस तरीके से गायब भी हो जाती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से हमने बात की तो कुछ अधिकारियों का कहना ये भी है कि जो स्कीम थी लगभग 70 ठीक है दिनेश, लागू हुई थी कुछ साल, यहाँ पर लौटेंगे आपके पास। रमेश चौहान जी जुड़ गए हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो। रमेश चौहान जी, क्या आपकी जानकारी में है ये नहर? रमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी रमेश जी, जो ये नहर जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए ताकि लोगों को पानी मिल पाए, वहां स्थानीय स्तर पर फायदा उस नहर का मिले, क्या वो नहर अब कागजों पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, इस बात की जानकारी है आपको? जी मैडम, अभी कुछ समय पहले जानकारी हुई मुझे, एक्चुअली मैं अभी लगभग साल भर पहले आप पहुंचते हुई है, तो ये चूंकि पुरानी 1977-78 में बनी थी, मैंने जो फाइल अभी देखी तो उसमें जानकारी मुझे प्राप्त हुई है 1977-78 में बनी थी ये लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, और उस समय से चलती रही तो 1997 तक चली, ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में मिली मुझे। 97 तक चली है नहर? जी हाँ। उसके बाद में जैसे बेतवा नदी से लिफ्ट किया जा रहा था यहाँ से पानी, तो उसी नदी से विदिशा शहर के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी पानी सप्लाई किया जाता था, तो उस पानी को मतलब इरिगेशन में उपयोग करने से ड्रिंकिंग वाटर में कमी आ रही थी, इस टाइम से मुझे जानकारी मिली रिकॉर्ड के अनुसार, तो फिर शासन के ही निर्देशों से वो नहर को बंद करने के निर्देश हुए थे, और नहर 1997 में बंद कर दी गई मैम। तो 97 में नहर को बंद कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं, तो नहर बंद कर दी गई तो जमीन तो रही होगी ना? जमीन है मैडम, जमीन है, तो उसमें फिर उसके बाद में जो जमीन है पाइप वगैरह थे वो तो विभाग, संबंधित विभाग मतलब जल संसाधन विभाग और विद्युत यांत्रिकी विभाग को अपने अपने संबंधित सामान लेने के लिए बोल दिया गया था, तो ले लिया। जमीन है पर उसके बाद में
ये मैं तो अभी साल भर पहले आया और इसके मतलब कोई ऐसी जानकारी में था नहीं कि मतलब इस पे क्या हो रहा है। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, फिर हमने पूरा रिकॉर्ड देखा तो उसमें 3.36 हेक्टेयर जमीन उसपे होना मतलब रिकॉर्ड के अनुसार पाया गया। तो उसको अलग अलग तीन गांवों की है, तो वो जमीन को माननीय एसडीएम साहब के हमने आवेदन दिया है कि वो विभाग के नाम में नामांतरण कर दे। तो उसके बाद हम पता करेंगे कि वो जमीन एक्चुअल में जमीन है कि उसपे कोई है। रमेश जी, हमारे जो रिपोर्टर हैं दिनेश, वो वही मौके पर हैं विदिशा में ही और उन्हीं की स्टोरी हम दिखा रहे हैं। दिनेश जरा आप बताएं, यहाँ पर जो रमेश जी हैं वो कह रहे हैं कि 97 में वो नहर को बंद करने के ऑर्डर विभाग की ओर से ही दिए गए थे, उसके बाद अब वहां पर जिस जमीन पर नहर कभी थी, क्या देखा है आपने वहां पर, क्या हुआ है उस जमीन में? बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए, ये जो चौहान साहब बता रहे हैं कि स्कीम बंद हो गई थी, लेकिन स्कीम बंद हुई थी तो कम से कम वो नहर होना थी और जो नहर की जमीन होना थी, जमीन पर भी यहाँ पर अतिक्रमण देखा जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोई स्कीम सरकार ने बंद कर दी, बताया गया है कि जो लिफ्ट एरीगेशन स्कीम के तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई जगह यहाँ पर नहर बनी थी, वो सभी स्कीम यहाँ पर बंद हो गई थी, जिसके बाद विभाग ने जो मशीन लगी थी, जो सामग्री लगी थी, वो सामान निकाल के विभाग ले गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राजस्व विभाग से हम बात करते हैं तो वो कहता है कि हमारे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है कि ये नहर के विभाग संबंधित विभाग में कहीं ना कहीं ये विभाग बता रहा है कि दोनों विभाग एक दूसरे पर यहाँ पर बात टाल रहे हैं। अगर ऐसा था तो क्या उस जमीन की जो रिकॉर्ड है वर्तमान में वो यहाँ पर नहर की विभाग की यहाँ पर जमीन दिखाई नहीं दे रही है राजस्व विभाग के अधिकारी? ठीक है, मतलब सरकारी कारणों के चलते जी दिनेश, सरकारी कारणों के चलते नहर को तो बंद किया गया, लेकिन जमीन जो सरकारी खातों में होनी चाहिए थी, सरकारी रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, उस जमीन पर अब मलाई काटने का काम किया है। वहां जो भूमाफिया थे और उन्होंने प्लॉट बना बनाकर बेच दिए हैं। रमेश जी, क्या आपके संज्ञान में है ये बात, ये आई है? ये जो रिकॉर्ड के अनुसार मुझे जानकारी मिली है 3.36 हेक्टेयर जमीन विभाग की होना चाहिए जो वहां पर है। अब एक्चुअल में ये कि वो जमीन का जो नामांतरण हो जाएगा, उसकी लंबाई मतलब चौड़ाई कितनी है, लंबाई तो वहां से नदी तक है पर उसकी चौड़ाई कितनी पे भूअर्जन हुआ है, इसकी जानकारी भी अभी हम लोग निकाल रहे हैं राजस्व विभाग से। और ये जैसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तो जो भी जो भी लोग अगर अतिक्रमण किए तो उनपे फिर गंभीरता से कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। जब रमेश जी, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हैं, तो जरा बताएं आपकी, जब इस तरह के कोई नहर बंद हो जाती है तो ऐसे मामलों में जो जमीन होती है उसका क्या होता है, होना क्या चाहिए, नियम क्या कहते हैं? नियम तो यही है, विभाग की जमीन है, शासकीय जमीन है, जल संसाधन विभाग की है, तो जल संसाधन विभाग का चूंकि अभी वहां पर उपयोग नहीं है क्योंकि वो नहर बंद हो चुकी है, तो इसके पूर्व रिकॉर्ड से एक लेटर भी प्राप्त हुआ था मुझे कि ये उक्त जमीन जो है राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने के लिए भी विभाग से पत्र लिखा गया था कि जो जमीन जल संसाधन विभाग की है अब राजस्व विभाग अपने हस्ते कर ले ताकि जल संसाधन विभाग के लिए उपयोगी नहीं है, वहां पर कोई ऐसी स्कीम नहीं है मैम, तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी और रात दिन उसकी कौन देखभाल करेगा, इसी चक्कर में कोई ना कोई उसमें अतिक्रमण कर सकते हैं, इस तरह से पत्राचार किए हुए पहले। जी ठीक है दिनेश, आपके साथ स्थानीय लोग भी हैं, जरा उनसे बात कीजिए इसी मामले को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर विभाग एक दूसरे पर यहाँ पर टाल रहे हैं कि यहाँ पर जमीन थी, लिखा है पत्राचार, लेकिन जिस तरीके से जो अभी मामला उठा है, क्या ये मामले में इस बात की जो हकीकत सामने निकल के आई थी कि किसका यहाँ पर कब्जा है और क्या इसका खुलासा होगा, दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, क्या आप उम्मीद है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिला प्रशासन हो या वो इरीगेशन का विभाग हो, आप ये बताइए यहाँ पे नहर निकली थी कि नहीं निकली, और यदि नहर किसी की निजी भूमि पर निकली थी तो क्या बिना मुआवजे के इन्होंने उसमें नहर निकाल दी थी? सीधी सी बात है, जिला प्रशासन के लोग चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एफडीएम हो, चाहे तहसीलदार है, उनके अधीन पटवारी, इन लोगों ने पूरा अपने गेम प्लान किया है। जो निजी कॉलोनाइजर हैं, अवैध कॉलोनाइजर हैं, उन लोगों ने कॉलोनी में जो रोड निकाले हैं वो नहर के ऊपर निकाले हैं, यहाँ पे जितना नहर का सामान था वो यहाँ पे उन लोगों ने निकाल करके उखाड़ करके फेंक दिया, तब जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा था, जबकि पटवारी और एफडीएम का ये रिपोर्ट लगती है कि किसकी भूमि है। ये दोनों आपको बेवकूफ बनाएंगे, चाहे वो चैनल हो, चाहे हम लोग हो, जब भी हम पूछते हैं हमेशा ये टाल मटोल की बात करते हैं। एक बिल्कुल ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से जिस समय पे ये नहर बनी हुई थी उस समय के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, विभाग कर्मचारी थे, उनकी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी गई जो आज मामला खुलासा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लापरवाही है, आप बताइए
धीरे धीरे स्वतः बंद कर दिया गया, बंद करने के बाद उस पर रोड निकाल दिया, कॉलोनी बना ली। पीछे यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। रमेश चौहान जी, अब आपने इस मामले में क्या किया है, चिट्ठी आपने भेज दी है, क्या लग रहा है कि चिट्ठी का जवाब दूसरी चिट्ठी के रूप में कब तक आ पाएगा? मैम अभी फिर से एसडीएम साहब को हमने पत्र लिखा है और उसमें नामांतरण करने का मांग की है, जो जमीन के जल संसाधन विभाग के नाम नामांतरण के लिए मांग की है और वो कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि अतिक्रमण किसका है, वो उसको आइडेंटिफाई करके फिर कार्रवाई करेंगे, वो भी राजस्व विभाग के साथ। ठीक है रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जो जमीन सरकार की है, शासकीय जमीन है, उस पर शासन का ही कब्जा हो, उसमें भू माफियाओं की चांदी ना हो वो जमीन। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और दिनेश आपका भी धन्यवाद। तो अलार्म लेकर हम हर हफ्ते आपसे मिलेंगे क्योंकि यहां पर सीधा आपकी खबर होगी, आपके सरोकार वाला मुद्दा होगा और आपके सवाल हम शासन के लोगों से, प्रशासन के लोगों से पूछने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं।